किए थे विधायक जी के पास, तो खिड़की से बोल रहे जा जा बोलना, हम मेरा नाम लेना कर देगा। गिए दो एक महीना रहे ओझा से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से खेत दिया, डॉक्टर लोग बोला और जाओ विधायक आएगा तब होगा, तब ओझा से पैदल चल दिए, लंगरते लंगरते क्या करेंगे। यानी विधायक जी अंदरे से बोला, आशीर्वाद दे दिया कि जो जा, काम हो तोर काम हो जी, तो आशीर्वाद नहीं लग रहा। हाँ वहाँ जाएगा चला माता की सोच लिया की जाएगा लेने झांप दे दो लेनिया में छापे से सोच ली। हाँ तो की कर भाई, वहाँ डॉक्टर तो कोई बोलबे ना करो, बोलो कि विधायक जी बोल दिया तो बहुत बोल दिया जी। एकदम जान रही है, अब कोई चुतिया नहीं बना सकता है, ना कोई बुड़बक और बेवक मतलब ये टाल के नहीं रख सकता कि हाँ हम ये कर देंगे, अब ऐसा नहीं चलेगा। ढुलु माता एकदम गुंडागर्दी करते हैं, गुंडागर्दी करता है, लूटपाट करता है, गरीब को साला मतलब ज्यादा जमीन लूटते ले ले। ये देखिए कितना टूटा हुआ साइकिल, देखिए डिक्की लगा दिया, आप थोड़ा सा देखिए जिस 40% मिनरल्स वाला हमारा राज्य का हालात यह है। दादाजी कह रहे हैं कि हमको एक थ्री व्हीलर साइकिल है जो हम लोगों को नेता सब नहीं देता है, आप बताते जाने टूटा हुआ साइकिल में चल रहे। अगर सही नेता लोग रहता तो खुद देखता गरीब को, कहाँ देख रहा है। इतना तो विधायक जी हैं, आज तक गरीब पे ध्यान ही नहीं दिए। तीन बार विधायक बने आपको साइकिल भी नहीं दिया, आज तक साइकिल नहीं दिया। हम लोग देखते हुए भाग देंगे देंगे, कुछ नहीं किए। आदाब जोहार नमस्कार, मैं हूं शिवा और आप देख रहे हैं झारखंड नवनिर्माण। इस वक्त हम हमारा विधानसभा में है और ये महेशपुर पंचायत है। हमारे साथ युवा साथी हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजन किए, समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी को जोहार। कैसा माहौल है यहाँ पे महेशपुर पंचायत का? माहौल पूरी तरह बदल रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे चुनाव आ रहा है। यहाँ के लोगों ने निर्णय ले लिया है कि हम लोगों ने भूतपूर्व विधायक और भूतपूर्व सांसद सबको देखा, मगर हम लोग को उम्मीद है जयराम दा पर एक गरीब ये से भूतपूर्व मना नहीं है उन लोगों का। बिल्कुल वो भूतपूर्व हो चुके हैं क्योंकि हम ही लोग का मतदान से वो सांसद और विधायक बने हैं, वो खुद के वोट से सांसद और विधायक नहीं बने हैं, इसलिए जब हम वोट ही नहीं देंगे उन्हें तो वो पूर्वी हुए। क्या नाम हुआ आपका? रविशंकर रजवार। पूरी तरह ये जयराम दा का विचार हर घर घर में पहुँच चुका है और ये झारखंड के एक उभरते हुए सितारा है। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि विनोद दा, हम लोग विनोद दा को नहीं देखे, हम लोग बिरसा को नहीं देखे, हम लोगों ने शहीद भगत सिंह को नहीं देखा, मगर हम लोग को उम्मीद है कि शायद ऐसे ही वो होंगे, ऐसे ही संघर्ष करते होंगे जैसा हम लोग जयराम दा को देख रहे हैं। एक एक दिन दिन में 10-10 सभा बिना खाए पिए भूखे, किसके लिए? हम झारखंडियों के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि झारखंड का ये नवनिर्माण करेंगे। यहाँ वर्तमान जो विधायक और सांसद हैं वो उनके कामों की अगर बात करेंगे तो उनके किस कामों को आप जानते हैं? विधायक का कुछ कुछ काम है मगर सांसद का एक ईंटा तक यहाँ नहीं जुड़ा है, ना वो हम लोग को मिले हैं, ना कभी किसी से फोन से भी बात होता है, ऐसा कुछ नहीं। सांसद 4 साल पहले 5 साल पहले एक बार सिर्फ जब चुनाव के समय ही आए थे, उसके बाद आज तक उनका दर्शन दुर्लभ है। आज एक सांसद फंड से एक ईंटा तक यहाँ नहीं जुड़ा है। पैरासूट लीडर चाहिए या जमीनी नेता? बिल्कुल, हमें माटी पुत्र चाहिए, हमें धरती पुत्र चाहिए, हमें झारखंडी नेता चाहिए जो गिरिडीह लोकसभा का नेतृत्व करे। हमने रविंद्र पांडे जी को भी देखा, वो भी अदर स्टेट से हैं। हमने चंद्रप्रकाश चौधरी जी को भी देखा, वो भी हमारे गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से बाहर हैं। इससे पूर्व हमने टेकलाल महतो जी को भी देखा था, वो भी हमारे गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से बाहर हैं। मगर इस बार हम लोगों के महेशपुर के युवा साथियों ने निर्णय ले लिया है कि जो भी हम लोग जयरामदा हैं वो हमारे गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के माटी पुत्र हैं। हम लोग इनको जिता के संसद भवन में भेजेंगे जो हमारे हक और अधिकार की बात के लिए वहाँ लड़ेंगे। इस बार जनता का क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा यहाँ तो ये कोलवेरी बेल्ट है, हम लोग का जमीन BCCL लगभग बहुत पहले से लेके उसको कोड़ दिया है, खेतीहर जमीन को बर्बाद कर चुका है। और जब हम लोग आज लड़ाई लड़ने जाते हैं तो वो बोलता है कि ये तो वेस्टेड लैंड है, ये तो पूर्व ही हो चुका है। तो वेस्टेड हो चाहे जो भी हो, लैंड तो हमारा ही था, वो BCCL के बाबूजी का तो नहीं था, हमारे ही पूर्वज का था। आप बर्बाद आपने किया और आज उसको वेस्ट कर रहे हैं, तो वेस्ट है या खेतीहर जमीन है वो हमारा है, वो हमें छोड़ दे या फिर 2 एकड़ पर जो निर्धारित है आप उस पर नौकरी दें। चलिए क्या कहेंगे आप? हम चाहते हैं कि टाइगर जयराम दा को यहाँ से लोकसभा के चुनाव को सभी बहुमत से हम लोग निकालना चाहते हैं जयराम दा को। जिस तरह से यहाँ के विधायक माने गुंडागर्दी हर ज्यादा होता है, विधायक ढुलु माता एकदम गुंडागर्दी करता है, लूटपाट करता है, गरीब को साला मतलब ज्यादा जमीन लूटते ले लेता है। कह रहे हैं कि भाषण में बोल रहे थे कि 2 करोड़ का प्रॉपर्टी हो गया, 18 साल नहीं हुआ जी। किसका? विधायक जी का? उसका बेटा का हो सकता है, वो तो सब जनता देखा होगा। तो क्या कहेंगे उसके काम को, कितना वोट दीजिएगा?
हम तो बहुत जोर से लगे हुए हैं हम टाइगर जय रामदा के ऊपर से, जयराम जी के लिए काम। हाँ चलिए क्या कहिएगा, बदलाव होगा इस बार पूरा बदलाव होगा, हम चाहेंगे लाने के लिए और सभी युवाओं से भी यही कहना है, और हम लोग भी चाहते हैं कि इस बार बदलाव होना चाहिए और हो के रहेगा, और हम लोग करने का भी पूरा पूर्ण प्रयास पूरा कर रहे हैं। जिस तरह से लोग दारू मुर्गा में बिक जाते हैं, इस बार माहौल नहीं बनेगा? नहीं, इस बार तो यही चीज तो रोकना है हमें, ये तो चल ही आ रहा है, शुरू से चल रहा है, तो यही चीज को हम लोग को रोकना है, दारू और मुर्गा का। इस बार मतलब जनता जागरूक हो गई है? जनता जागरूक हो गई है, अपने हक और अधिकार को जान रही है? एकदम जान रही है, अब कोई चुतिया नहीं बना सकता है, ना कोई बुड़बक और बेवक मतलब ये टाल के नहीं रख सकता कि हाँ हम ये कर देंगे, अब ऐसा नहीं चलेगा, अब सब कोई जाग रहा है धीरे धीरे, कोई अभी अंदर से है कोई बाहर से, मगर कोई जो है सब लड़ने का प्रयास कर रहा है। किस प्रकार का नेता चाहिए आपको? हमें जयराम दादा जैसे चाहिए, क्योंकि हमारा यहाँ पे बहुत ही सारा शोषण हुआ है, हमारे जैसे कि बोले अभी रवि रजवार जी कि हमारा जमीन में जिस तरह का जैसे किया गया है वेस्टेड बताए, तो वेस्टेड हमने थोड़ी बोला था करने के लिए, आप लोगों ने कराया, अंदर से हम बोले तो आप करवाने के बाद बोलते हैं वेस्टेड है, तो हमने थोड़ी बोला था खोद के नीचे से निकालिए, आप खोदिएगा तभी तो वेस्टेड हुआ, पूरा माल निकाल लिया उसके बाद बोलते हैं वेस्टेड। हाँ वेस्टेड है हमारा जमीन, तो वेस्टेड हो गया फिर, तो फिर हम लोग फिर रहेंगे कहाँ? ठीक है अगर आपका है तो आप हमें फिर जगह दीजिए, आप कोयला निकालिए, सरकारी खदान सरकारी है, ये हम भी जानते हैं ये कोकिंग सरकारी है, ये हमारे लिए ही है, आप निकालिए, मगर हमें उसको उस तरह का लेबल बना के दीजिए जहाँ तहाँ गड्ढा करके छोड़ दिए। जिस तरह से बोला जा रहा है कि यहाँ पे गुंडागर्दी होता है, क्या सच में? सही है अभी अपना हक कोई जाता है तो किसी का सपोर्ट जो करता है उसके साथ में दबाव किया जाता है, हाँ कौन है जिसका है वो दिखाने का ज्यादा प्ररूप नहीं कर पाता है। चलिए हमारे साथ एक और दादाजी हैं, हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। दादाजी आप यहाँ आए हुए, यहाँ पे सुने हम नहीं सके, क्या नाम बोलना है? नाम क्या हुआ? अरुण यादव। अरुण यादव, कितना उम्र हो गया आपका? हो गया वो भाई 30-40। 30-40 हो रहा है? 30-40 हो रहा है? पेंशन मिल रहा है? पेंशन अभी कुछ नहीं मिल रहा, हैंडीकैप है। इस जगह को देख के ही नेता लोग को क्या बोलेंगे, समझे? बोलना तो बहुत चाहते हैं, नहीं बोलिएगा तो आपके दर्द को कैसे जानेगा? देखिए कैसे जानेगा, टूटा हुआ साइकिल में चल रहा है, अगर सही नेता लोग रहता तो खुद देखता गरीब को, कहाँ देख रहा है? इतना तो विधायक जी हैं, आज तक गरीब पे ध्यान ही नहीं दिए, 3 बार विधायक बने आपको साइकिल भी नहीं, आज तक साइकिल नहीं दिया, हम लोग देखते हुए भाग देंगे देंगे कुछ नहीं किए, क्या किया दुनिया के लिए? लेकिन भोटवा देते हैं, वोट तो दिए तब तो यही हाल हुआ, दे ही के तो पछता रहे, अगर जानते कि ऐसा होता तो कभी नहीं जिताते। आप क्या करिएगा दादा? देख रहे, देखिए आए सामने, उन्हीं को देखेंगे, अभी देख रहे हैं, लग रहा है कि काम करेंगे आप? हाँ ये दिल में बुझा रहा, काम करेंगे, आपका दिल बोल रहा है। हाँ ठीक है, इतना ही। पूरे झारखंड के लोगों को कुछ कहिएगा, आपका जो दर्द है, देखिए आपका दर्द जब तक पूरे झारखंड के लोग नहीं सुनेंगे तो कैसे लोग जागेंगे कि आपके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, जुल्म हो रहा है? जुल्म हो रहा है तब ना, आदमी खुद देख के क्या बोला जाए उनको, बोल ही के तो ऐसा हो रहा है। सांसद महोदय को देखे हैं कभी? नहीं चौधरी जी सांसद है, सब कोई आता है बोल के चल जाता, किसको क्या कहे, जहाँ साइकिल कहीं बोलते हैं कि देंगे लेकिन वो नहीं देते हैं, नहीं देते हैं, फिर नहीं जीतने के बाद भूल जाते हैं कि हम कहाँ है। जैसे ये कोलवरी एरिया लगो, पूरा यहाँ पे कोयला निकालो, यहाँ तो पैसा बरसू है, बाद भी साइकिल की व्यवस्था ना करे पैर ले यहाँ के नेता, की करवा? यहाँ सब सोचा की अपन पॉकेट भरी है, गरीब के छोड़ो, खाली गरीब दूसरे 4 रुपया जीते समय दे देता है, बस जीतला है तो भूल गया, यहाँ का ऐसा देख लिए आप, देखा ये जरा अतिक है, पैसा ना देते पैसे कैसे? हमने पैसा ना है, अगर दिल से मान लो तो ऊपर वाला देख दो, जैसे अगर पास पैसा ना हो, हमने पैसा पे ना जाइए, हमने खाली गरीब के देखे, अपना देश के देखे। बात एक बात बताओ, होटवा जो पैसवा पर दे दो थी, सही बात लगे? ये तो हम लोग तो आज ये दुर्गति भला है, पैसा दिए की वजह से। अब कैसे कहिए भाई के पैसा दे कहना, आज तक तो हमने ना ले लिए, ऐसी ही वोट दला ये, मगर फिर भी हाल कोई ना सुन चाहो, दर्द कोई ना देखल चाहो, अब की कभी जीत के बाद बोले जाए तो दूर से बोल दो हाँ हाँ ठीक है, अब ओकर बाद जीत गलो तो गलो, अब फिर वो अपन राज अब करे लगा, बदलते इस बार ने अबरी तो विधायक जी उम्मीद कम हो, विधायक जी उम्मीद संसद की ओकरो कम उम्मीद बुझा, पूरा कम हो। हाँ
जाए उजा बगमारा में दो तीन बार घूर के लिए हाँ देंगे देंगे भी नहीं देना। अरे ठाकुर तू हाँ खाली ठाका है तो की करो तो इस बार ठाकवा तो नहीं मिल के नतविन के अबरी अबरी तो खाली हमने के पास नजर रहते तब ना वही देखा है कि खाली ना आए हमने के पास तब वो सबके बोली बोलो सरकार ताकत दलिए वोट दिए के गलत आदमी के दे बद कर कहाँ से चल वही तो पछताइए देखे वोट अब इस बार सही नेता को चुनना है अबरी सही नेता को चुनना है अभी देखा ही है अभी वोट तो ढेर दिन है अभी देख ले जान ले वोट दिल जीते शिवा माँ तो काले ले कि वोट दिया जान के पानी पिया छान के वोट दिया जान के इस बार जान के दबा वोट अबरी अब अबरी सबके देख लिए लेकिन अबरी इनका देखना जरूरी है। ये देखिए कितना टूटा हुआ साइकिल है देखिए डिक्की लगा दी आप थोड़ा सा देखिए जिस 40% मिनरल्स वाला हमारा राज्य का हालात यह है दादाजी कह रहे हैं कि हमको एक थ्री व्हीलर साइकिल है जो हम लोगों को नेता सब नहीं देता है आप बताइए ये हालात है ये सच्चाई है 40% और ये आपका ये जो दिक्कत है इसका इलाज इलाज का कोई व्यवस्था नहीं होता है। विधायक जी के पास तो खिड़की से बोल रहे जा जा बोलना हम मेरा नाम लेना कर देगा गिए दो एक महीना रहे उजा से हॉस्पिटल हॉस्पिटल से खेत दिया डॉक्टर लोग बोला और जाओ विधायक आएगा तब होगा तब उजा से पैदल चल दिए लंगरते लंगरते क्या करेंगे यानी विधायक जी अंदरे से बोला आशीर्वाद दे दिया कि जो काम हो जी हां तोर काम हो जी तो मगर ओकरा बात नहीं लग रहा हां वहां जाए के तला माता की सोच लिए के जाए लेने झांप दे दबा लेनिया में झापे से सोच ली हां तो की करबे वहां डॉक्टर तो कोई बोलबे ना करो बोलो कि विधायक जी बोल दिया तो बहुत बोल दिया जाओ हो गया तेरा इलाज और साइकिल मिल गया बताइए ये दर्द आप समझ सकते हैं नेता आज ये बोल रहे हैं कि उनके बेटा जो 18 साल भी नहीं हुआ उनके खाते में 2 करोड़ रुपया है 1000 हाईवा है किस काम का बताइए अगर हमारे इस तरह से झारखंड की स्थिति है ज्यादा दूर नहीं है 1 किलोमीटर भी नहीं पड़ेगा यहाँ से चाहेंगे तो तुरंत उस जगह से किसी को बोलेंगे तो तुरंत देखेगा कि हाँ फलना आदमी लेकिन फलना आदमी को क्या देखेगा खाली वोट लेने जानते थे मैंने यहाँ से तो घरवा से 1-1 किलोमीटर के अंदर में विधायक जी हाँ 1-1 किलो ओकर बाद भी यहाँ 1 किलोमीटर में भी ओकर आवाज नहीं पहुंचे लोगर कान तक नहीं सोचिए बताइए कितना दर्द है इस दर्द को आप आभास करिए और वोट देने समय आप जरूर इस बात का ख्याल रखिए कि वोट हमें किसे दे रहे हैं वोट का महत्व तो क्या है हम वोट में कैसे नेता को चुन लेते हैं इन सारी बातों को अगर आप ध्यान में रखकर अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए ध्यान में रखकर आज आप देखिएगा ये हालात इसलिए हो गया है कि हम लोग दारू मुर्गा कुछ ना कुछ छोटी उपलब्धि अगर आप देखेंगे 1800 दिन में अगर 1 दिन 2 दिन 5 दिन अगर हम लोग ये सब चीज़ नहीं लेंगे नेताजी से तब हमारी जो झारखंड है उसकी खूबसूरती क्या होगी तो इस बार सतर्क रहिए जिस मुहिम को लेकर टाइगर जयराम जी 2.5 साल से मेहनत कर रहे हैं आज उनका तबीयत खराब हो जा रहा है दिन दिन भर 10-10 सभाएँ कर रहा है अब आप बोल नहीं पा रहे हैं अभी भी तूफानी दौरा बाकी है 2 महीने लगातार भी और चलेंगे कितना समझाएंगे आप लोगों को समझ जाइए और ये जो हालात है ये है असली झारखंड की हालात जो 40% मिनरल्स देने वाला हमारा राज्य है इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं दादाजी का दर्द कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं दादाजी ने जो कहा क्या सच में सही चीज है जरूर कमेंट करके बताएं इनका विचार कैसा लगा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए इजाजत दीजिए जय हिंद जय झारखंड।